न होना। क्या मुराद? यानी जाहिरन हम कुछ और हैं, अंदर से कुछ और है। जिस तरह से जो हम सामने है वैसे अंदर भी होना चाहिए। अगर हम अपना बातिन पाक कर लेंगे, अगर हमारा बातिन पाक हो जाएगा तो खुद ब खुद हमारी दुआएं पूरी होने लगेंगी। दूसरी चीज मौलाना साहब फरमाते हैं, नियत पद का होना, पूरी नियत का। अगर अच्छी नियत नहीं है तो मौलाना फरमाते हैं कभी तुम्हारी दुआ मुस्तजाब ना हो। लाख कोशिश करो, ये मासूम कह रहे हैं कि लाख कोशिश करो, अल्लाह तुम्हें नहीं देगा। तीसरी चीज मौलाना साहब फरमाते हैं, अगर एतिकाद में दुआ जो हम अल्लाह से मांग रहे हैं, पंद पास से मांग रहे हैं, मासूम से मांग रहे हैं, पता नहीं देंगे या नहीं देंगे, यही हो गया मामला का गौर। नहीं देंगे और देंगे नहीं देंगे, यहां अदम एतिकाद, अदम एतमाद, ये इंसान की दुआ को मुस्तजाब नहीं होने देता। ये पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये दवा थोड़ी ना पता नहीं असर करेगी कि नहीं करेगी। ये दुआ है, ये मोमिन का असलहा है, और खुदा की बारगाह में सबसे नजदीक तरीन वो चीज है वो दुआ है। ये खुदा के नजदीक पहुंचने की चीज सबसे क्या है, वो दुआ है। यानी दुआ पर एतिकाद पैदा करना, अगर एतिकाद है तो इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी। अगर अदम एतिकाद है, अगर यकीन नहीं है, तो फिर दुआ कबूल होने वाली नहीं। चौथी चीज मौला फरमाते हैं, मुनाफिक व बिरादर दीनी, जो हमारे दीनी भाई लोग हैं इनसे मुनाफिकत करना। साथ साथ रहे तो जरूर रहे उनके, लेकिन आज दीन का काम बने हुए हैं। साथ साथ छत तो जरूर रहे लेकिन दिल में उनसे कीड़ा रखे हुए। साथ साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बेचारा खर्चा भी कर रहा है, लेकिन दिल ही दिल में चल रहा है अल्लाह इनको क्यों दिए दे रहा है, ये काहे हमसे आगे निकलते क्यों चले जा रहे हैं, यह जगह यही क्यों पहचाने जा रहे हैं। यानी मुनाफिकत अपने बिरादर दीनी से, मौला फरमा रहे, मासूम फरमा रहे, कभी तुम्हारी दुआ मुस्तजाब नहीं होने वाली है अगर मुनाफिकत रखोगे अपने बिरादर दीनी से। पांचवी चीज, लेकिन फिर मासूम ने ताकीद यहां पर कर दी है, पांचवी चीज मौला फरमा रहे हैं कि ताखीर करना नमाज है वाजिब में। ताखीर करना, लेट करना, बैठे कब से चल रही है, बैठे नहीं बातें हो रही हैं, अच्छी ही बातें हो रही हैं, बुरी तो छोड़े अच्छी ही बातें हो रही हैं, पढ़ लेंगे अभी तो बहुत टाइम है। मौला फरमा रहे हैं वाजिब को उसके टाइम पर अदा कर दो।